नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल यादव आज वीडियो लेके आया है जुमलैन 110 टन का, जिसका मॉडल नंबर है GAT 1100V, जिसका आज नीचे वाले केबिन के बारे में हमारे बताएंगे मंगलेश भाई, इसमें क्या क्या फंक्शन है, प्लस PTO लगाने क्या क्या प्रोसेस है और गियर कैसे लगता है, प्लस उसमें क्या क्या फैसिलिटी आता है, वो पूरा बहुत विस्तार रूप से बताएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। जुमलैन क्रेन 110 टन मॉडल नंबर 1100V। अपना यूरिया लेवल देखिए 62% दिख रहा है ये वाला, और बैटरी का वोल्टेज दिख रहा है 28.7। और इसके बाद ये जो दो घड़ी दिख रहा है ये अपना एयर प्रेशर का है। एयर प्रेशर कभी अपना हैंड ब्रेक खोलना है या PTO लगाना है तो 80 के ऊपर होना चाहिए, 80, 81, 82 इतना ऊपर रहेगा, 80 के ऊपर रहेगा तो आप हैंड ब्रेक खोल सकते हैं और PTO लगा सकते हैं। PTO के बटन ये है, ये क्लच दबा के आगे की तरफ खींचेंगे तो PTO लग गया, और फिर क्लच दबा के इसको अंदर पुश करेंगे PTO छूट गया। इसके बाद ये जो घड़ी दिख रहा है ये अपना इंजन, स्पीड या किलोमीटर, कितना स्पीडर में जा रहे हो। ये अपना डीजल का है, कितना डीजल है वो बताएगा। इसके बाद इंजन टेम्परेचर है ये, इसके बाद ऊपर का जो है इसकी लेटर RPM है, फिर इसके बाद ये गियर का जो है नीचे रहेगा लो रहेगा, ऊपर कर दोगे हाई हो गया, और इस बटन से इंजन बंद हो जाएगा आपका। और ये 4x4 का है, ये आगे का हेडलाइट है, ये इको मोड, जैसे आपका इंजन कभी तेज कम ऑटोमेटिक होने लगा तो इस बटन को पुश करके फिर आप छोड़ सकते हो, आपकी गाड़ी सही हो जाएगी इको मोड। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को फंक्शन समझ में आ गया होगा, और जिस भाई को नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है। और दूसरी बात, ऊपर वाला फंक्शन जानने के लिए आपको Part 2 देखना पड़ेगा जो कि जल्द से जल्द आ रहा है, उसमें हम बताएंगे टेली का कैसे निकलेगा, प्लस उसका क्या क्या बटन है वो हम पूरा उसमें बताएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, मिलते हैं फिर Part 2 में, जब तक के लिए नमस्कार।